हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन जॉब अपडेट के बारे में जो आई है डेनफोर्स की तरफ से। सो फ्रेंड्स, जो जॉब प्रोफाइल होने वाली है आपकी वो होने वाली है इंटर्न मैकेनिकल की, और जो इसकी जॉब लोकेशन है वो है ओरा गडम, और ये इंडिया में ही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होने वाली है तो फ्रेंड्स, आपकी मैकेनिकल इंजीनियर विद इन PECT, आपको यहाँ पर डिजाइन का काम करना होगा, और आपको जो सॉफ्टवेयर आना चाहिए इसके लिए वो है क्रियो। आपको जहाँ पर सारे जो आपकी टास्क हैं जो परफॉर्म करने हैं वो आपको परफॉर्म करने हैं क्रियो पर। तो फ्रेंड्स, करना क्या होगा, जनरेशन ऑफ 3D मॉडल एंड 2D ड्रॉइंग विथ GD&T। GD&T मीन्स ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, और जो आपको क्रियो में करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको GD&T नहीं भी आता है तो आप जल्दी से अभी सीख लीजिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर डिजाइनिंग से रिलेटेड ही काम करना होगा, सारे काम आपके डिजाइनिंग से रिलेटेड रहेंगे यहाँ पर। तो आप क्रियो आता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एनालिसिस भी करना होगा, डिजाइन भी करना होगा, और आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी होंगी, और आपको मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज भी मिलेगी, जैसे कि कोई भी पार्ट कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनना चाहिए, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, आपको ये सब भी यहाँ पर जानने का मौका मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। साथ में फ्रेंड्स, अगर हम बैकग्राउंड स्किल्स की बात करें तो आपको आना चाहिए टीम वर्क, आना चाहिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग आना चाहिए, और क्वालिटी पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि जितनी जो भी आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट आगे बनेगा तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, या फिर यही चाहिए कस्टमर जो है वो जब भी आता है, जब किसी भी ब्रांड का जो प्रोडक्ट बनता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। आफ्टरऑल कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसका जो टारगेट होता है वो होता है सेल्स, कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचे, और वो जब भी होगा जब आपने प्रोडक्ट एज ए डिज़ाइन इंजीनियर अच्छा बनाया है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा भी कस्टमर फोकस बिजनेस फोकस, ये ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रेंड्स आपके अच्छे होने चाहिए, आप कोई भी जॉब करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, तो ये आपको इम्प्रूव करना ही होगा। और रिजल्ट फोकस्ड होना चाहिए आपको, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, प्रेजेंटेशंस में आप अच्छे होने चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स में आप अच्छे होने चाहिए, और नेटवर्किंग ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो नेटवर्किंग से ही आपकी ग्रोथ होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, नहीं आती हैं तो आप सीखिए, आप इन्हीं चीज़ों से आपकी जो करियर में आपकी ग्रोथ होगी, तो ये सब काफ़ी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज ही जाइए जॉब के लिए, आप अप्लाई कर दीजिए।